संडे वीक चल रहा है, सबका हस्बैंड अपनी वाइफ को कुछ सरप्राइज गिफ्ट करता है, आप कुछ करोगे? क्या सरप्राइज? एक बार दिखा रहा फेस YouTube फैमिली, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द चैनल मानसो ब्लॉग। तो गाइस अब सुबह हो चुकी है और आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है एकदम सुबह सुबह। और मेरी ऑफिस तो स्टार्ट हो गई है वैसे 6 को ही, अभी बज रहा है, अभी 7 बज रहा है, 6 बजे ही मैं लॉग इन कर रही थी और बस आज का दिन स्टार्ट हो चुका है। और अभी यहाँ पे बालकनी में मैं खड़ी हूँ तो थोड़ा ठंडा ठंडा हो रहा तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। और बट टाइम है नहीं, ऑफिस से टाइम मिलता नहीं और इनका तो नाइट शिफ्ट है, तो मीन्स मेरा मॉर्निंग है, इनका नाइट है, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता हम लोगों को। और अभी तो ये ऑफिस भी जा रहे हैं, मेरा तो ऑफिस ऐसा है कि लाइक मैं वीक में नहीं, मुझे मंथ में जाना है 5 डेज, बट इनको है कि वीकली 3 डेज जाना ही जाना है, तो इसकी वजह से और ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है। तो चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और आप ब्लॉग में बने रहना और होप आप हम लोग का वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो गाइज ब्लॉग में बने रहना, एंड तक जरूर देखना और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना रिचा हिमांशु ब्लॉग। तो चलो गाइज आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और मैं अपना मॉर्निंग ड्रिंक बना ली हूँ, दिखाती हूँ। ये रहा मेरा मॉर्निंग ड्रिंक, तो चलो ऑफिस करते हैं। गाइज ये सोफा को हम यहाँ से यहाँ पे कर दिया, थोड़ा स्पेस लग रहा है ना इधर क्योंकि बहुत ज्यादा स्पेस कर रहा था। गाइस अभी वैलेंटाइन डे वीक चल रहा है, सबका हस्बैंड अपनी वाइफ को कुछ सरप्राइज गिफ्ट करता है, आप कुछ करोगे? तुम्हारा भी आएगा क्या? तुम्हारा भी आएगा सरप्राइज? एक बार दिखा रहा फेस अरे आप इतना कर ही नहीं सकते, आपको जानते नहीं है क्या, इतना जिस दिन आप कर दोगे ना मैं 7वें आसमान पे रहूंगी। तो गाइज ये तो मुझे हाँ पक्का ब्लॉगिंग करना, ठीक है? कुछ जो भी करोगे यू शुड डू ब्लॉगिंग, ठीक है? तो गाइज ये तो मेरे लिए कुछ प्लान नहीं कर रहा, बट मैं सोच रही हूँ आज कौन सा डे है वैसे? आज फ्राइडे, टेडी डे। गाइस देखो कितना अनरोमांटिक एक चीज होता है, लेकिन ये अनरोमांटिक में भी काउंट नहीं होता है। तो आप बताओ गाइस, ये बोलते हैं इनको स्पीकर चाहिए और अभी बोल रहे स्पीकर वेस्ट हो जाएगा, छोड़ दो, ठीक है? तो आप बता दो आपको क्या चाहिए। तो बोले हेडफोन देने ना, 10 बार खाली पूछते रहे तो क्या हो जाएगा, ठीक है? हेडफोन और खाली पूछ के चल दे रही हूं। भी ये क्या है, जान सकते हो? मोरी नीचे गिर गया तो अभी पूरा। गाइस मैं आज इनका क्लीन क्यों हूँ, इतना गंदा ये अपना डेस्क रखे था, ठीक है? बेबी हम वैलेंटाइन डे में आपको गिफ्ट कर देंगे, ठीक है? अभी हमको चाहिए। अरे तो अमेजोन वाला 1 घंटे भी थोड़ी डिलीवर करता है, अभी हमको चाहिए। देखे आवाज आ रहा है कि नहीं गाइस? ये गाइस ये गुस्सा से ये हेडफोन तोड़ दिए हैं, आप देख सकते हो। क्योंकि आप बिलीव नहीं करोगे, हम लोग घर पे सिर्फ 2 लोग रहते हैं, 2 लोग बस ही मुझे फील होता है मैं अकेले रहती हूँ। क्यों आप लोगों को बताऊं? क्योंकि मेरे हस्बैंड देर रात हेडफोन लगा के रहते हैं, अपना तो गलती नहीं मानोगे। अभी तो आप ऑफिस कर रहे हो, लेकिन अगर ये ऑफिस नहीं कर रहे होते तो हेडफोन लगा के गेम खेलते गए। इनका भी गेमिंग चैनल है जो कि आप लोग बिल्कुल भी सब्सक्राइब मत कीजिएगा। क्या 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 तो कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पे स्टेटस कौन डाला था? गाइस देखो इनको, सीरियसली यू डोंट इवन रिमेंबर? वही मैं व्हाट्सएप पे देखो देखो गाइज, आप इन्हीं से इनको समझ सकते हो कितने केयरलेस इंसान है, व्हाट्सएप पे स्टेटस डाले और इनको पता भी नहीं रहता है क्या स्टेटस डालते हैं। आप 2 या 3 दिन पहले डाले थे अपना चैनल का स्टेटस और कोई सब्सक्राइब नहीं किया। कुछ बोलना चाहोगे अपने चैनल के बारे में? कुछ बोलोगे तो शायद हम आपका चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ा दें। ओके ठीक है गाइज, इनको काम करने देते हैं और शाम को हम। तो गाइज कैंसिल हो गया प्लान, मैं मार्केट नहीं जा रही हूँ, जो मेन सब्जी का मार्केट लगता है वहाँ पे नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ ये यहाँ पे रिलायंस फ्रेश ही जा रही हूँ, देखते हैं वहाँ क्या क्या सब्जी मिलता है। एक्चुअली रिलायंस फ्रेश में क्या होता है, कभी कभी बहुत फ्रेश सब्जी रहता है और कभी कभी कुछ मिलता ही नहीं है, तो चलो देखते हैं जैसा भी होता है। और अभी मुझे थ्रेडिंग कराना है तो मेरे घर के पास ही रिलायंस फ्रेश के पास ही है एक सैलून, तो वहीं पर करा लेंगे। तो चलो निकलते हैं और ये मैं पहन रखी हूँ उनका टी शर्ट और इधर कर लिया ऑफिस। हे भाई
यूट्यूब फैमिली वेलकम बैक टू मेरे मानसू ब्लॉग। तो गाइस आप देख सकते हो अभी मैं टेरेस पे आई हुई हूँ सुबह, और अभी मैं वॉकआउट कर रही थी यहाँ पे, तो मैं सोचा सोसाइटी के नीचे वॉक करती हूँ, बट फिर देखिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा मीन्स वो हम यहाँ पे गार्बेज वाला आता है ना, तो उसका म्यूजिक बजता है बहुत लाउड रहता है। मैं सोचिए चलो, और वो हाफ एन आवर तक ऑलमोस्ट बजते ही रहता है, तो इसलिए मैं टेरेस पे आ गई। और इसके नीचे कुछ इस तरह से ये बैक साइड में हमारे बिल्डिंग के, तो चलो अभी चलते हैं और वर्कआउट करते हैं, फिर आप लोग से मिलते हैं, देखते हैं आज दिन भर कैसा रहता है। और फ्रेंड्स मैं यहाँ पे बना ली थी बीटरूट गाजर का जूस, ये मैं वीक में 2 से 3 बार लेती हूँ, और वो कुछ ज़्यादा बन गया था आप देख सकते हो। मिले अरिक, अरिक से वाई यू आर नॉट कमिंग इन आर होम, एवरीबडी इज आस्किंग, माई मदर, माई सिस्टर, एवरीबडी, वेन यू विल कम? आई विल कम टुमारो, पक्का ना? प्रॉमिस, इफ़ यू विल नॉट कम then what? I don't know. Evening, okay. Evening you will be there, right? Yeah. You're not going anywhere in evening? Alone you are playing. Where is your friend Chirayu? Chirayu is not coming in. Call in me early. That's what. Chirayu is not calling me. Chirayu will call you there. Then when will you call him? Morning, morning, you came there. Morning, I went to church. Anna, Anna. Go fast. He's looking open. The map. Why are you not going far? Just give me money now. We don't have money, Eric. पे आए थे ग्रैंड मर्क्यू और गोपालन मॉल यहाँ पे कुछ काम से, और यहाँ के लॉबी पे बैठे थे। इसका लॉबी बहुत ब्यूटीफुल था, एक एक काउच इतना अच्छा लग रहा था। तो बस हम लोग यहाँ से अब निकल रहे हैं, कुछ काम था जो कि काम से आए थे, और बस यहाँ से निकल रहे हैं। यहाँ जिस काम से आए थे वो हो चुका है, तो अभी हम लोग आए थे वाइट फील्ड के इस काम से, तो चलो यहाँ से निकल रहे हैं। और बहुत ज़ोर का भूख लगा हुआ है, तो पहले कुछ खाएँगे। मेरा आ चुका है, ये है मेरा लंच, और ये साउथ इंडियन मेरा हमेशा और ये है इलेक्ट्रिक बस। लाइक बैंगलोर में इलेक्ट्रिक बस भी चलने लगा, स्कूटी तो चल ही रहा था, अब ये इलेक्ट्रिक बस भी स्टार्ट हुआ है बैंगलोर में, तो ये देख सकते हो। तो गाइस हम लोग आ गए क्रीम स्टोन, इनको मैं मीठा नहीं खा रहा हूँ, ये मीठा खा रहा हूँ। ऑर्डर करो, क्या ऑर्डर करोगे? यहाँ पे अगल बगल में भी आपको तो पता है, अगर आप कहीं भी मेट्रो सिटी में जाते हो तो बहुत मन सबको अपनी लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि एक दूसरे के लिए टाइम बिल्कुल भी नहीं होता। तो यहाँ पे नेबर भी ऐसे है नहीं, और अगल बगल जो लोग भी रहते हैं वो लोग सारे मतलब यहीं के हैं, नॉर्थ इंडियन है नहीं, तो वो भी एक प्रॉब्लम है। तो अभी तो फिलहाल हम लोग तो इसी घर पर रह रहे हैं, लेकिन अगर कभी घर चेंज करें तो ऐसा जगह ही करेंगे जहाँ पे एटलीस्ट कुछ नॉर्थ इंडियन लोग हो, जिससे हम लोग कनेक्ट कर पाएँ और मुझे भी मन लगे, क्योंकि यहाँ पे बिल्कुल भी मन नहीं लगता और बहुत ज़्यादा बोर लगता है। तो चलो मिलते हैं आप लोग से कल, तो ब्लॉग में ज़रूर बने रहना अगर मैं इस ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ तो, अगर नहीं तो मैं एडिट करके डालूंगी। तो आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और अपना प्यार बस इसी तरह दिखाते हैं।